पागल रोने के नाचे क्यों घंटी चलो मुबारक हो खोला था री लो दो तो सरी अब भाभी रो रहे क्या बोलेंगे अब क्या बोल रहा है एक उसी का है वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग ने कल देख लिया होगा खुशखबरी हमारे घर में जो आई है बच्चे की, सो आप लोग को देखे ही होंगे आप लोग ने सो वो चीज़। तो आज मैं रिएक्शन वीडियोस डालूंगी जो एक्चुअल रिएक्शन वीडियोस थी हम लोग के घर वालों की जब हम लोग ने बताए थे वो लोग को, सो वो सब वीडियो मैं ये वीडियो की एंड में या तो मिड में डालूंगी, वो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि आप लोग भगा भगा के सिर्फ वो ही देखोगे, इसलिए तो पूरी वीडियो देखो तो ही मज़ा आने वाली है आप लोग को। सो आज हम लोग ब्लॉग ये बना रहे हैं, हम लोग ने वो टाइम पे मिठाई नहीं दिए थे किसी को भी कुछ भी, क्योंकि वो टाइम पे इतना इमरजेंसी और इतनी खुशी की वो चीज़ थी कि हम लोग ने एकदम फटफट फटफट सबकी वीडियो बना ली थी क्योंकि मेरे को एनी हाउ पोस्ट तो करना था, बाद में नहीं अभी नहीं तो बाद में तो करना ही था हम लोग को पोस्ट, तो इसलिए हम लोग ने कैप्चर करके रख लिए थे। तो अभी हम लोग मिठाई बांटने के लिए रेडी हैं क्योंकि अभी मैंने जैसी कल रिवील कर दी हूँ, तो आज मुझे मिठाई बांटना है सबको। तो हम लोग सब हमारे जो भी घर वाले हैं वो लोग को मिठाई बांटेंगे, तो मैंने मिठाई का ऑर्डर दे दी हूँ। मिठाई में मैंने ब्राउनी बनाई हूँ, पूरा पैकेट है उसका, सो वो मैंने बॉक्स बनाने दे दी हूँ, तो वो भी थोड़े घंटे में आ जाएगा। और हम लोग को लेना था प्रॉप्स, तो प्रॉप्स का ऑर्डर मेरे को मतलब प्रॉप्स कहाँ मिलेंगे अभी उसके लिए मेरे को घूमना पड़ेगा। हम लोग को बनाना था हैम्पर, बट हैम्पर नहीं बना पाए बिकॉज एमरजेंसी, जैसा मैंने आप लोग को बोला अचानक से मैंने रिवील करी हुई ये चीज़ इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मैं देखती हूँ कोई बलून्स की शॉप पे प्रॉप्स मिल जाए क्योंकि मुझे ऐसा रखना है कि मामा मतलब सुफियान को देंगे तो हम लोग मामा टू भी मामी टू भी रखे हुए, जैसा मेरी दानिशी मम्मी को दिए थे दादा दादी रखे हुए, मेरी मम्मी का नाना नानी रखे, तो मुझे ऐसे प्रॉप्स बनाना है। तो देखते हैं चलो मार्केट जाके ढूंढे मिले तो ठीक, वरना फिर हम लोग को खुद ही प्रिंट करके करवाना पड़ेगा। चलिए हम लोग को कोई चीज़ पहली बार टाइम पे मिल चुकी है, एक दुकान में एक ही दुकान में। हाँ ये मेरे को पता था ये दुकानें मिल ही जाएगी, बताओ मैंने भैया का तुम्हारे मैंने बोली और मैंने इनको ये भी बोली थी कैश लो क्योंकि वहाँ पर कैश ही चलता है, इतना बड़ा बड़ा है ये अपन काट देंगे। सो देखो मेरे को ये जो चाहिए था दादा दादी मामू मामी, बट इसमें हम लोग का उसमें बड़े अब्बा है रिजवान भाई, बड़े अब्बा हुए चाचा ये हुए, तो बड़े अब्बा का अपन लैंग्वेज है बड़े अब्बा बोलते बड़े लोग चाचा के हिसाब से, तो चाचा लिखा हुआ चलेगा नो प्रॉब्लम है ना। तो चलो जाते हैं फटफट से चिपकाना है इसको, अब कहाँ जाना है केक वाली बोली एक घंटे बाद अभी सामग्री तक अभी तो 5 बजे कुछ खा लेते हैं। चुके हैं KFC में, डॉक्टर ने बोला इसको चिकन खिला तो ये हेल्दी रहेगी थोड़ी, ऐसा नहीं है कुछ भी। ओए इतना सारा तुम खाओगे, मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम पैक कर दो बकेट मंगाई क्योंकि मुझे ये बहुत खाने का मन कर रहा है, जिंदगी इसके लिए दो चीज इतना खराब हो रहा है, मैं एक ही खा पाऊ तो बोलते तो बोले बोले बापरे। 1 किलो की चिकन हम लोग दोनों नहीं खा पाए, इतना पेट फूल हो गया, मैं तो सिर्फ 3 पीस खाई और दानिश ने सिर्फ 2 खाया है ना, तुम 2 ही खाए ना। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, अपने फैमिली वालों को चखा देंगे, अभी भी इसमें 4 पीस बचे हैं, नहीं है बहुत है 4 ही है रे, बड़े बड़े बहुत पीस दे देते हैं तो उसमें ही पेट भर जाता है, ज़्यादा चिकन खाने होता नहीं, बट मुझे सिर्फ एक जायका बोलते ना वो चाहिए था मुँह में, तो वो हो गया है। तो अभी जाते हैं फटफट से घर पे, हम लोग अभी उतर गए घर पे चले गए, जब घर पर अभी वापस से उतरे हैं नीचे क्योंकि केक का ऑर्डर जैसे मैंने बोली क्योंकि मिलेगा मुझे, तो अभी केक का ऑर्डर ले रहे हम लोग, केक लेके जाते हैं फटफट घर पे, फिर जो उन्होंने प्रॉप्स लिए वो प्रॉप्स चिपकाना है हम लोग, सबको बांटना है, सबको बांटना है, सो जाते हैं फटफट केक लेके घर पे। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर, घर पर आके हम लोग ये सब प्रॉप्स वो सब लगा के देख रहे हैं, सो मैं दिखाती हूँ आपको ने ये सब तैयारी करे सेक्सी मासी, अभी सब क्यों लगा रहे जब जिसको दो देगी तब लगा गया, अभी फिलहाल दादा दादी और बुआ ये लो बुआ तहसील दीदी के लिए, सो तैबा दीदी है नहीं इधर, हम लोग तैबा दीदी का बाद में दे देंगे उनको, सो अभी फिलहाल हम लोग ये सब दे रहे भैया भैया छोकुल भैया लो हसनैन के लिए,
चलो हो चुका है हम लोग का पूरा सेट रेडी, सभी जाते हैं बाहर और करते हैं सरप्राइज तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बता दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि तुम लोगों को जैसी बोली रिएक्शन उन्होंने पहले ही कैप्चर कर चुके हैं, ये सिर्फ मुंह मिठे के लिए है। सभी लेके जाते हैं फटफट से खिलाते हैं। ठीक है चलो हो भी चलो भागो चलो चलो हम लोग के लिए पहली बार बन रहे दादी डार्लिंग। अरे वो मुंह मिठा है, हम लोग ने मुंह मिठा नहीं किया था ना अभी तक के। ये नहीं करोगे तुम दो? हेलो हेलो खोलो, क्या हुआ खोलो थोड़ी लो दो तो थोड़ी ये क्या मोबाइल तुम लोग को यहाँ अब भाभी रो रहे क्या बोलेंगे अब क्या बोलना है खुशी का है अरे खुशी का है शेर कुमार बना रहे वाह खुश खबरी के लिए खुशी आई ना घर में इसलिए भैया सर बड़ा भाई है इसके लिए हस्बैंड को पाया और दिल वाली बुआ है दिल वाली इधर आओ मम्मी गए खीर बनाने गरम करने मतलब अम्मी हो गया किधर है थोड़ी सी बनाई बस इतनी सी हाँ मुंह मीठा कर इतना ही होता है जमा को थोड़ी खिलानी शिव कुमार रमजान में हर चीज की खुशी होती है मेरे बच्चे की आने की खुशी हाँ अभी जो पोता पोती जो भी अलावा खैरे से देवे तंदुरुस्त देवे मुझे बस्ते में चाहिए माँ बच्चे तंदुरुस्त रखे माँ बाप को तरक्की दे उसे नसीब चाहे बच्चों को रोजी देवे उसके बच्चे बच्चे को रोजी दे वाला पर बच्चा तो चलो मम्मी ने एकदम खुशी से बनाए हमारे बच्चे को बच्ची हो यहाँ का तो हो गया है सेलिब्रेशन। सो अभी रिजवान भाई के घर पे जाते हैं जो बड़े अब्बा है उनके घर पे जाते हैं अभी। सो उनका हम लोग को बड़े अब्बा का जैसा नहीं मिला तो हम लोग चाचा चाची कर देंगे उधर। सो हम लोग के साथ ज्वाइंट हो रहे मम्मी क्योंकि हम लोग अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मी को ले लिया हम लोग से चलो मिलते डायरेक्ट वहाँ पर। गाइस सो गाइस आ गए भाई के घर पे भाई को देने के लिए तुम बन गए हो बड़े अब्बा अभी मुबारक हो दानिश को हो तुम इतने ये दिवाली सा कलर लग रहा तुम्हारा शर्ट का दीवार का तुम्हारा कलर सेम सेम लग रहा है हां क्या बोल रहे हां मुबारक हो मुबारक हो हां थैंक यू तेरे को भी मुबारक बोले थैंक यू दानिश को होने वाला है मुबारक मेरे को नहीं भी बीवी को होने वाला हां हां दानिश के घर पे नहीं सबके घर पे हो रहा है मतलब होएगा सबका हो ये बन जाएगी बड़े अब्बा और तुम्हारी भाई बन जाएगी बड़ी अम्मी बाकी दिए नौशीन देखो बड़े अब्बा तो नहीं मिला हम लोग को चाचा मिल गया स्मार्ट चाचा स्मार्ट और आप पर सबको सबके नाम का है हम लोग
चार्मिंग चाची। हमारे घर में सब स्मार्ट ही है, बचपन से स्मार्ट है, पैदा होता तो मैं सब मर गई थी हमारे को देख के है ना मम्मी। तो ये हमारे बड़े अब्बा, ये हमारी बड़ी अम्मी, हमारी बड़ी अम्मी, हमारे बच्चे की बड़ी अम्मी, बड़ी अब्बा। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी अब्बा के वहाँ पर, नाना नानी के वहाँ पर, तो वो भी ज्यादा खुशी हो रही है वहाँ पर भी देने, तो लोग भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। फिर बाद में जाएंगे हम लोग मासी के घर पर। सो आप लोग पूछते रहते सना दीदी कौन है, तो सना दीदी मेरे लिए एक सगी बहन जैसी है, क्योंकि बचपन से हमारा साथ ही है, बचपन से हम लोग को पाले हैं, बचपन से हम लोग को घुमाए साथ में, सो इसके लिए एक बहन का पूरा जॉइंट है हम लोग के अंदर, सो उसके लिए उनको भी देना फर्स्ट बनता है हम लोग का इसलिए। तो पहले जाते हैं मम्मी क्या, फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे सना दीदी क्या। गाइस हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर पर, सो अभी दे देते हैं इन लोग को सरप्राइज। गणेश जी के प्रॉप्स निकालते हुए नाना नानी। सो अब्बा के ऊपर आया है दिलदार नाना। तो अभी से नहीं, बच्चा अभी से बोल रहा है कि मेरा नाना दिलदार है, अभी से तुम्हारे को हिंट दे दिए नानी एडोरेबल है। एडोरेबल इसलिए क्योंकि वो उसको पता होगा कि मेरी नानी बहुत खूबसूरत है, दिलदार हो, देखो एकदम बराबर आया तुम्हारे ऊपर भी। मालूम है तुम्हें, हमें तो बच, मैं तो बचपन से बोलती हूँ अब्बा दिलदार है, तो मेरे बच्चे को भी दिलदार बनाएंगे। तुम बहुत दिलदार हो, लो दिलदार नाना नानी। इसमें थोड़ा ब्लैक करती ना तो अच्छा लगता। नहीं तुम ऐसे ही थोड़ा गोरे का भी फील लो। मम्मी का बराबर ड्रेस पे मैच हुआ था। चलो दे दो लको मिठाई, मुँह मीठा करो। जी आप ब्राउनी है वो, तो वो टाइम पे मैंने तुम लोग का, चलो सुनो, वो टाइम पे मैं तुम लोग का मुंह मीठा नहीं की थी, तो मैं सोची थी कि अभी मैंने रिवील कर दी तो सबका मुंह मीठा करा जाए। हाँ दो आया तू रोती है पागल, रो मत, रोने के नाचे क्यों लाती कभी लाई अब। अरे वाह, इसलिए हम लोग सबके घरों पे जाके मिठाई दी है, अब बच्चा आएगा तो फिर सबकी दुआ लगी। हाँ वही, चलो मुंह मिठा करो, तुम लोग भी दुआ करो। मेरे को पसंद है, मैं कब से रहा देख रही हूँ, खाऊ मुझे नाक पे लग गया, तुम्हारी नाक इतनी लंबी। चला गया हूँ आदमी नहीं खिलाने का था, क्यों मेरा क्यों बराबर को है छोड़े। नानी बनते तो वैसा लग रहा है, नाना तुम बोले मैं नानी साथ में चलेगा बच्चा मेरा, तुम लड़का है आमीन आमीन आमीन। और तुम लोग सब मिलके उसके लिए दुआ करना, क्या बोलते उसको मुसीबत का सामना ना करना पड़े, डिलीवरी फरमा बरदार हो, जैसे मेरे बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह, हीरे हीरा है, काला हीरा। तो पापा को यकीन नहीं हो रहा है कि इनकी बेटी के पास भी एक बच्चा आ रहा है। चलो बात बहुत हो गया, बहुत देर लग गई। हाँ चलो ले ले ले, तो रोजा लिख जा रहे
अल्लाह बाप रो रहा, तू हंस रही ना। खुशी क्या खुशी क्या आपसे खुशी के? आज हम लोगों को यकीन नहीं था कि अभी शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे ये भी नहीं था मेरे बच्चों की शादी हो गई, मेरे बच्चों की शादी हो गई, अब शादी होगी, शादी इतने प्यार से लोगों को पाला हूँ मैंने, अभी हमारे बच्चों को भी पालना है, कभी मना किया yes. तुम्हारा नाती आएगा उसके लिए भी करना है, वही बोले अभी मेरा हम लोग के बच्चों के लिए करना है, आया नाना दिलदार यही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, मेरे तरह स्ट्रांग बनेगा, दानी जैसा कमजोर नहीं रहेगा। ये बॉन्डिंग नहीं पीता है, मेरा जीव इनके चक्कर में गया, बाकी जीव एक दिन लेके गया मेरे कुछ जाएंगे मंडे, शादी तुम्हारा क्यों दिया मालूम है, क्योंकि रात को जाने का था, मंडे मंडे से चलो गाइस, यहाँ पर थोड़ा हो चुका है इमोशनल मूवमेंट, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब इतनी सी एज में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कि बच्चे को बड़े होने तक कैसा करना पड़ेगा, मतलब ये लोग के ऊपर सब चीज बीत चुकी है, जब बच्चे को जवान हो जाएंगे ना तो मेरे ये यहाँ, इसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी कर लो, वही अच्छा अपनी एज तक अपना बच्चा रहे, इसके लिए तो 7 महीने में यहाँ बुला रहे, इसको देखती रहेगी ना, वो नहीं बोल रहे सुफियान, मतलब अभी हम लोग कैसा फ्रेंडली है तुम लोग दोनों से भी, वैसा हमारे बच्चे भी हम लोग से फ्रेंडली है, हाँ भाई हाँ वैसा वैसा, गाइस हम लोग आ गए, सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी सना दीदी के घर पर, सो यहाँ पर भी दे देते हैं मिठाई, सो हम लोग खुशखबरी बांटने आए हैं, सो तुम बनने वाली हो मासी और मुजफ्फर भाई मासा और फातिमा दीदी, पहली बार बन रही है ना मासी, हाँ पहली बार दुआ करना मेरे बच्चों के लिए, सेक्सी मासी, हेलो मासा 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 खालू मतलब डैशिंग डैशिंग देख रहे हैं, हेलो फातिमा के लिए स्वीट दीदी, वेलकम, लो लो मिठाई, इसकी जरूरत नहीं थी, तो मुँह मिठा करो फातिमा के लिए, ब्राउनी मुझे खा रहे थे वो शर्म आ रहे, नाना क्या बोलता है मैं तो अब्बा बोलने सिखाऊंगा, मेरे को बोलेगा क्यों, अरे नहीं रखो, नहीं 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 रखो रखो, दुआ दे, दुआ दो मेरा बच्चा अच्छे से हो, खाला अबे नाना हुए, हाँ नानी हुए, हाँ 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 कम उम्र का होगा लेकिन बचपन से इसने ही पाली, और मेरे को सरा दीदी ने, हाँ वही तो बोल रही बचपन से, और हम लोग को शरबत लेने खड़ा करते थे मेरे को सुफियान को, अभी फातिमा जाती है ना मम्मी के साथ शरबत लेने, वही अब्बा भी रो दिए, सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पर, सो मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।